आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस तरह से उपराज्यपाल एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर के मर्डर मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो जांच का विषय है। साथ ही पार्टी ने इस मामले में एनडीएमसी के चेयरमैन करण सिंह तंवर और बीजेपी सांसद महेश गिरी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की है। तो आपको बताना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी अब एलजी को घेरे में ले रही है और सीधे तौर पर यह पूछ रही है कि उन्हें इस पूरे केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। एलजी नजीब जंग पर आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर निशाना, खान मर्डर केस में एलजी को घेर रही है आम आदमी पार्टी। तो पहले तो यह समझ नहीं आ रहा कि एलजी साहब का इसमें क्या इंटरेस्ट है। जब हाईकोर्ट ने आपको शक्ति नहीं दी, जब दिल्ली हाईकोर्ट ही ये कह रहा है, जिसका ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के सुनाया अप्रैल 2016 का, कि आपके पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं है इस मैटर में अपनी टांग अड़ाने का, तो आप कैसे हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चलते हुए, कानून और संविधान के खिलाफ चलते हुए इस पूरे हत्या के षड्यंत्र में हत्यारे को लाभ पहुंचाने के लिए और जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाता है इन तमाम दस्तावेजों। इसी रमेश कक्कड़ को बचाने के लिए, उनको 140 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए महेश गिरी ने ये चिट्ठी लिखी, दबाव बनाया और चिट्ठी लिखी, जिसके जो पूरी तरीके से इस एनडीएमसी के जवाब से साबित हो जाता है। A3212 इस लेटर का रिस्पॉन्स है, 19 मई 2016 का ये जवाब है। तो महेश गिरी जी जो जनता के सामने मीडिया के माध्यम से लगातार इस पूरे हत्याकांड में अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे, वो आज उनका झूठ जनता के सामने आ गया है, उनका पर्दाफाश हो गया है। और इस पूरे हत्याकांड में हम तो सदैव से कह रहे हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी पूछताछ होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए, उनके रमेश कक्कड़ से क्या नाते थे, जिनको सुपारी दी गई मारने की, उनसे क्या उनके रिलेशंस थे, उन सारे चीजों की जांच होनी चाहिए। अब जो सारे तथ्य सामने आए हैं उससे साबित हो जाता है कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महेश गिरी, कंवर सिंह तंवर और माननीय उपराज्यपाल श्री नजीब जंग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन तीनों का, महेश गिरी, करण सिंह तंवर और माननीय उपराज्यपाल श्री नजीब जंग की जांच होनी चाहिए, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए। और एक और सवाल जो महत्वपूर्ण खड़ा होता है कि क्या इन तीनों के पीछे भी एक इनका कॉमन बॉस है जो ऊपर से इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और ये सारी जो पूरी रचना है इसको रच रहा है, क्या इनका कोई कॉमन बॉस है इसके पीछे, इसकी भी जांच होनी चाहिए।